नमस्कार, धर्मज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का तहे दिल से एक बार फिर स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। शुक्रिया कविता, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जो कि 26 दिसंबर को साल यानी 2019 का अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, वो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण। और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, हालांकि हमने अपने पिछले के एपिसोड्स में और आगे के एपिसोड्स में बताए कि इसका प्रभाव 12 राशियों पर कैसा रहेगा, और उन 12 राशियों में से आज के एपिसोड में बताएंगे कि मकर राशि वाले लोगों की जिंदगी में ग्रहण का प्रभाव किस तरह से रहेगा, सकारात्मक रहेगा या फिर नकारात्मक। हर पहलुओं से हम जानेंगे कि ग्रहण का असर कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ग्रहण काल के दौरान आपके ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। जी, देखिए मकर राशि पे इस समय क्या चल रहा है कि लगन में ही इनके शुक्र चल रहे हैं, और अगर सेकंड हाउस को देखें, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सब खाली हैं, बिल्कुल कोई ग्रह नहीं। छठे भाव में राहु हैं, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। लाभ स्थान में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, और बारहवें भाव में यानी खर्च के भाव में इनके शनि, बुध, गुरु, सूर्य और केतु का एक ग्रहण योग बन रहा है, साथ में चंद्रमा भी, यानी कि छह ग्रह बारहवें घर में इनके खर्च के भाव में बैठे हैं, नुकसान के भाव में बैठे हैं। तो जब इतने ग्रह जब एक भाव में जाते हैं तो या तो बहुत अच्छा फल करते हैं या फिर वो बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट देते हैं या परेशानी देते हैं। तो मकर राशि वालों की कुछ इस समय ग्रह स्थिति ग्रहण के दौरान ऐसी रहेगी, यानी कि 26 दिसंबर के दौरान कुछ ये ग्रह स्थिति इनके लिए रहने वाली है। यानी कि जब कहें कि 3, 4, 5 ग्रह एक ही भाग में बैठे हुए, ऐसे में आपके स्वास्थ्य पर ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ग्रहण काल जो कि सूर्य ग्रहण लगेगा 26 दिसंबर को, लेकिन कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और सूतक कब रहेगा, आइए ये सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए ग्रहण का जो समय है 26 दिसंबर को, ये धनु राशि में ग्रहण पड़ रहा है और बृहस्पतिवार का दिन है, और उस दिन ये ग्रहण जो है 8:17 तक स्टार्ट हो जाएगा और 10:57 तक ये चलेगा, और इसका सूतक काल जो है एक दिन पहले शाम को यानी 25 तारीख को 5:31 शाम को लग जाएगा, उसके बाद सारे शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। जी चलिए, अब इसी के साथ हम जानते हैं कि आखिरकार ग्रहण का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी, देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखते हैं अगर हम, तो छठे भाव में इनके राहु बैठे हुए हैं, उच्च के राहु, यानी कि ये जितनी बीमारी है उसको नुकसान करते हैं, बीमारी का विनाश करते हैं, यानी स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। तो राहु की स्थिति तो यहाँ आपके लिए बहुत बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ छठे भाव पर देखिए एक साथ 6 ग्रहों की भी युति दृष्टि आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बना रही है। कोई पुरानी बीमारी इस समय उभर सकती है, आपके पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिन लोगों का हृदय संबंधी रोग है वो उस समय उभर सकते हैं, या हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत इस समय बढ़ सकती है। तो इस समय मकर राशि वालों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई आपको परेशानी लगती है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कोई गंभीर बीमारी बढ़ सकती है, या जो आपको बीमारी है कोई नई बीमारी समय स्टार्ट हो सकती है, तो आपको विशेष सावधान रहना चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय। चलिए ये तो हमने जाना कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और ये भी बताया कि खासी दिक्कतों का सामना, जैसे मैं जी ने बताया कि आपको करना पड़ सकता है, तो एहतियात के तौर पे सतर्क रहिएगा, और हो सके तो जितना ज़्यादा आप अपने सेहत का ख्याल रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप कार्य क्षेत्र में करेंगे। कार्य क्षेत्र से जुड़ा ही आइए अब जान लेते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में जो ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा, खासकर कारोबारियों को लेकर और नौकरी पेशा वाले लोगों को लेकर। देखिए जो नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं उनको इस समय किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए, और जैसे नौकरी कर रहे हैं अभी वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि इस ग्रहण काल के दौरान उनको कोई परेशानी रह सकती है कार्यस्थल पर, तो इसलिए बदलाव लाना इस समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। जैसा कार्य चल रहा है, चाहे व्यवसायी हों चाहे नौकरी पेशा लोग हों, जैसा चल रहा है वैसे ही करने दीजिए। इस समय बड़े आर्थिक लाभ की स्थिति बहुत बड़े समय तक नहीं बनने वाली है, आपको भी कुछ समय का वेट करना चाहिए, उसके बाद बड़ा आर्थिक लाभ होगा। लेकिन जो ग्रहण के दौरान आपको ध्यान देना है, किसी बड़े परिवर्तन से इस समय के दौरान बचना आपके लिए अच्छा होगा। जो कार्य कर रहे हैं उसी को करते चले जाइए, और उसमें अभी मध्यम लाभ आपको होता चल रहा है, जैसा लाभ अभी मिल रहा है वैसे ही लाभ आपको आगे भी मिलता चला जाएगा, और धीरे धीरे जनवरी के बाद स्थिति आपकी और बेहतर हो जाएगी, इनके लाभ में वृद्धि हो जाएगी। वहीं अगर बात करें हम कारोबारियों की, क्योंकि इस वक्त ग्रहण काल जो
जैसे मैं जी आपने बताया कि भले ही 26 दिसंबर को ग्रहण काल लग रहा है, आपने समय भी बता दिया, लेकिन इसका प्रभाव आपके नव वर्ष यानी कि नए साल 2020 में भी इसका प्रभाव रहेगा, बरकरार रहेगा तब तक। तो ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि कारोबारी, जैसे कई व्यापारी हैं, वो कुछ नया व्यापार करने की सोचते हैं कि भाई नया साल है, नई किस्मत जगेगी, क्या पता कुछ नया करें, तो क्या पता उसमें हाथ आजमाए, धन धान्य की वर्षा होगी, तो क्या सही वक्त रहेगा उनके लिए? देखिए, हाँ देखिए, अभी तो इस समय इनकी कुंडली में खर्च का योग बन रहा है, तो ये खर्च अभी हो सकता है आप अपने बिजनेस में इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन कुछ समय के लिए अभी निवेश टालिए, खासकर ये नवंबर दिसंबर का जो माह है ये निवेश का टालिए, अगले वर्ष आप निवेश करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, और आय के साधन भी आपके अगले साल 24 जनवरी 2020 के बाद बहुत बेहतर हो जाएंगे, वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं खर्च जो है आपका बना रहेगा। आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या आप अपना कोई नया वाहन भी ले सकते हैं, इस समय ऐसी कुछ स्थिति भी नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं खर्च जो है शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में आपका होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, कार्य क्षेत्र से जुड़ा होता है आपका आर्थिक जीवन। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जितना अच्छा आप अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, व्यापार में आपको मुनाफा होगा या फिर नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगी, तो उतना ही ज़्यादा आपको धन लाभ होगा। ऐसे में अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ग्रहण का प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर किस कदर पड़ने वाला है। देखिए, आर्थिक स्थिति जो है आपकी, क्योंकि आपकी कुंडली में धन का कारक जो शनि है 12वें घर में इस समय विराजमान है और 6 ग्रहों के साथ इकट्ठे बैठे हैं, तो देखिए धन खर्च अभी होता रहेगा, पैसा आएगा लेकिन साथ साथ वो व्यय भी होता चला जाएगा। इस समय क्या था कि जब तक गुरु आपकी कुंडली में नवम भाव में थे, माफ कीजिएगा 11वें भाव में थे, तो ज़रा बेहतर स्थिति थी, लेकिन इस समय गुरु भी 12वें घर में आ चुके हैं, तो ये खर्च इस समय थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपको खर्चों पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, फिजूल खर्च से इस समय बचेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन अगले वर्ष जनवरी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, तब धन आगमन शनि के कारण आपका बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छा हो समय रहेगा आपके लिए। यानी कि थोड़ी बहुत फिजूल खर्ची रहेगी जिससे आपको बचने की बेहद ज़रूरत है। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं रिश्तों की। जी हाँ, आखिरकार सूर्य ग्रहण के प्रभाव का, ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों में कितना असर डालने वाला है, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, अगर रिश्तों के संबंधों की बात करें तो इस समय संबंधों में कोई ऐसी बड़ी परेशानी नज़र नहीं आ रही है इनकी कुंडली के हिसाब से, क्योंकि अगर जिस समय ग्रहण काल का दौरान रहेगा कविता, उस समय लग्न में शुक्र होंगे तो उनके संबंध तो अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा रहेगा, पारिवारिक संबंध भी इनके अच्छे नज़र आ रहे हैं, और कोई ऐसी बड़ी परेशानी इनके लव रिलेशनशिप में अपने स्पाउस के साथ या अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ कोई ऐसा वाद विवाद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है इनके लिए इस समय मकर राशि वालों के लिए। यानी कि धन खर्च तो रहेगा, लेकिन अगर बात करें रिश्तों की तो ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव इनके रिश्तों पर पड़ेगा और आपके रिश्तों में मिठास ही मिठास रहेगी। चलिए, इसके बाद अब बारी आती है विद्यार्थियों की। जी हाँ, छात्र छात्राओं पर ग्रहण का किस कदर असर पड़ने वाला है, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, स्टूडेंट्स जो इस समय विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो इस समय जा सकते हैं, विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा है, मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी, और ये समय ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए विदेश जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में इस समय रह रहे हैं वो वहीं पर सेटल होने का प्लान कर सकते हैं, या विदेश जो लोग जाने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए भी बहुत शानदार समय, विदेश जाकर वो नाम कमा सकते हैं, वहाँ धन की भी प्राप्ति होगी वहाँ जाके, तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है बड़ा विदेश जाने के लिहाज से भी, और शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि ग्रहण का असर आपके स्वास्थ्य पर, आपके रिश्तों पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, और जो छात्र छात्राएं हैं उनकी परीक्षाओं में वो कितना बेहतर करेंगे, उनकी पढ़ाई पर ग्रहण का कितना असर पड़ेगा। और अब बारी आती है उपायों की। जी हाँ, कुछ ऐसे सरल उपाय जिनके करने से जो ग्रहण का जो दुष्प्रभाव हो वो कम हो सके, आइए जानते हैं मयंक जी से। देखिए, मकर राशि वालों को ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्योंकि सूर्य इनका कुंडली में अष्टम भाव के कारक हैं और ये आपकी कुंडली में 12वें घर में चले गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, ओम सूर्याय नमः के मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको बड़ी राहत मिलेगी, जो भी रुकावटें परेशानी इस समय आ रही हैं वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगी।
और कुल मिलाकर क्या है कि आपको मेहनत अभी कंटिन्यू करनी चाहिए और किसी बड़े परिवर्तन से इस समय आपको बचना चाहिए। अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो उसका प्रयास कर लेना चाहिए, सफलता आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ जाते जाते ये भी जान लेते हैं क्योंकि ग्रहण काल के दौरान कई चीज़ें, कई हमारे ग्रह अच्छे ग्रह भी चल रहे होते हैं साथ में, कई बुरे ग्रह भी चल रहे होते हैं, और ऐसे में सूर्य ग्रहण जो कि लगने वाला है 26 दिसंबर को, ऐसे में ग्रहण काल के दौरान कौन कौन सी कुछ छोटी मोटी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए ताकि कोई बड़ा आने वाला संकट भी आपकी ज़िंदगी से टल जाए। देखिए, ग्रहण काल के दौरान इस समय मकर राशि वालों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए या क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो किसी भी नई डील को इस समय नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नई डील को करना अगर रोक देंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना तो आपको अनावश्यक धन खर्च होगा और उसमें कोई फायदा भी नहीं होगा कुल मिलाकर। और कुछ समय निकालें अभी तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय है। दूसरी बात क्या है कि आपकी कुंडली में स्वास्थ्य संबंधी भी कोई ऐसी बड़ी परेशानी नज़र नहीं आ रही है, तो दूसरा क्या है कि संबंधों को लेकर भी ये समय आपके लिए अच्छा है, तो उसमें भी कोई ऐसी रुकावट नज़र नहीं आ रही है। विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि थोड़ा मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। चलिए, आज हमने अपने इस एपिसोड में बताया कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव खासकर मकर राशि वाले यानी कि आप लोगों की ज़िंदगी पर किस तरह ग्रहण का असर पड़ने वाला है। और मैं अपने दर्शकों को जाते जाते ये भी बता दूँ कि हमारे पिछले एपिसोड और हमारे आने वाले यानी कि जो अगले एपिसोड्स होंगे वो ग्रहण से जुड़े बाकी की 12 की 12 राशियों पर आधारित होंगी, और प्लीज़ आप हमारे इन एपिसोड्स को देखना मत भूलिएगा। और इसी के बाद हमेशा की तरह जो मैं हर एपिसोड में अपने दर्शकों को याद दिला देती हूँ कि अगर आपके कोई भी सवाल हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हो, वास्तु शास्त्र से जुड़ा हो, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपके खुद की कुंडली से संबंधित कोई सवाल हो जो आप मयंक जी से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मयंक जी आपके सवालों का तुरंत जवाब देंगे। तब तक के लिए मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।